आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ वाक्य को इंग्लिश में बनाकर देखकर, ठीक है। तो पहला वाक्य है आपका, मैं कभी कभी रोया करता था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जिसको कहते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड ऑप्टन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, मैं कभी कभी रोया करता था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई वुड ऑफन क्राई, ठीक है, या वीप, ठीक है, वीप भी लिख सकते हैं, आई वुड ऑफन वीप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं कभी कभी वहाँ जाया करता था। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, आई वुड ऑफन गो देयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस है आपका कि अगला आपका स्ट्रक्चर है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वाई डज इट हैपन ओनली विथ मी, मतलब क्या होता है कि ये मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वाई डिड इट हैपन विथ मी या ओनली विथ मी भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।